أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम अपना जो चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे वो है चैप्टर इज मिनरल पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज को कवर किया और आज के लेक्चर में हम इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन जो इंडस्ट्रीज है उसको हम कवर करेंगे। बेसिकली इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपनीज को या ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपनीज को हम इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कॉटन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, यानी पाकिस्तान में जितनी भी सीमेंट की कंपनी है उनको एज ए होल हम इंडस्ट्री कहते हैं, या पाकिस्तान में जितनी भी कॉटन फैक्ट्री है या कॉटन से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्री है या यान बनाने की, कॉटन जिनिंग की, गारमेंट की और एक्सपोर्ट की जितनी भी कॉटन से रिलेटेड फैक्ट्रीज है एज ए होल हम उनको कॉटन इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, ये तो हो गई इंडस्ट्री की डेफिनेशन। जब पाकिस्तान बना तो बहुत ही कम कंपनी, फ्यू, जस्ट फ्यू कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में वर्क कर रही थी और तमाम कंपनीज या जिस तरह की भी कंपनी थी वो यानी उन एरियाज में काम करती थी, उन एरियाज में वर्क कर रही थी जो कि अब उस वक्त इंडिया का एरिया कहलाता था या सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के पीके, इन एरियाज में किसी भी किस्म की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई थी। पाकिस्तान बनने के बाद हर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू करे, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसकी इकोनॉमी के लिए, उसकी लेबर फोर्स के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। तो पाकिस्तान में 1960s का जो एक डेकेड था इसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने बहुत ही रैपिड जो है वो इंक्रीज हुआ, बहुत तेज डेवलपमेंट हुई और इंडस्ट्री के हर सेक्टर में जो है डेवलपमेंट हुई। इवन वो कॉटन सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो और शुगर केन सेक्टर हो या हैवी मैकेनिकल मशीनरीज का सेक्टर हो, इन तमाम एरियाज में बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट शुरू हुई। इसलिए जो 1960s का डेकेड यानी 60 टू 70 का जो 10 इयर्स का टाइम है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक गोल्डन एज कहलाता है। अच्छा, और पाकिस्तान की हमेशा से, पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आई उसकी हमेशा से यही कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और वो तमाम इंडस्ट्रीज लगें जो लोकल जो मटेरियल होता है उसको, लोकल रॉ मटेरियल को यूज़ करें, क्योंकि यहाँ का रॉ मटेरियल होगा और यहीं का उसको मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके बाद जो एक्सपोर्ट होगा वो पाकिस्तान को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रादर देन के वहाँ कोई सी रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करें, यहाँ पर हम फिर उसको मैन्युफैक्चर करें फिर एक्सपोर्ट करें, तो इसमें बहुत सारी जो हर्डल्स होती हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल क्या मिलता है, यानी हमारी एक वैसे ही एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो इंडस्ट्रीज भी एग्रीकल्चर बेस्ड जो हैं वो ज़्यादा ग्रो की तमाम एरिया टाइम में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कॉटन इंडस्ट्री ने जो है वो डेवलप किया। एक बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में जो कॉटन इंडस्ट्री ने वर्क शुरू किया और ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉटन इंडस्ट्री से इंगेज हैं और एक बहुत बड़ा जो है वो जॉब प्रोवाइड करता है कॉटन इंडस्ट्री। इसीलिए पाकिस्तान में कॉटन इंडस्ट्री को पाकिस्तान इकोनॉमी की बैकबोन भी कहा जाता है। ये उसकी इम्पोर्टेंस यानी कॉटन इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस शो करती है। इसके अलावा जो सीमेंट सेक्टर है पाकिस्तान का वो भी लोकल रॉ मटेरियल ही यूज़ करता है, उसके लिए जितना भी मटेरियल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो सब पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसीलिए पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर भी जो है वो
बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और उसकी अच्छी प्रोडक्शन होती है और लोकल डोमेस्टिक यूज भी होती है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में कॉटन, सिल्क और वुल की जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है और हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि एटलीस्ट इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि और ये ज़्यादा ग्रो करे, ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर रही होती है पाकिस्तान में। अच्छा, इसके बाद अगर हम इस कॉटन इंडस्ट्री को डिस्कस करें तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये और बहुत ही लेंथी और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। कॉटन इंडस्ट्री या जो हमारी ये फैब्रिक इंडस्ट्री है, इससे एक और जो आर्ट सिल्क के तौर पे जाना जाता है, आर्ट सिल्क बेसिकली आर्टिफिशियल सिल्क होता है और ये पाकिस्तान में इसको बहुत ही कम इंडस्ट्रीज में बनाती हैं। ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट करने के बाद इसकी जो है हम फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 90,000 लूम्स आर्टिफिशियल सिल्क से फैब्रिक और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इसका मेन जो सेंटर है वो कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान, ये आर्टिफिशियल सिल्क की प्रोडक्शन के मेन हब है।